आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। यह सत्य है कि व्यक्ति के कर्मों पर किसी का भी वश नहीं होता है। जरूरत यह है कि व्यक्ति को केवल सही या गलत मार्गदर्शन दिया जाए। यही नहीं, उसे अपने जीवन मार्गों के विकल्प दिए जा सकते हैं। और सत्य तो यह है कि ईश्वर भी कभी किसी प्राणी के कर्मों और उसकी नीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। समझेंगे भी कैसे, हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसाकर कौरवों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। महाभारत का संपूर्ण युद्ध श्री कृष्ण के इशारों पर हुआ। यहाँ कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि जब श्री कृष्ण महाभारत का संचालन कर रहे थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इतनी कम उम्र के बालक को रणभूमि में अकेले क्यों छोड़ दिया? रणभूमि में अभिमन्यु के अकेले घिर जाने के कारण भी कृष्ण बचाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे एक गहरा रहस्य अभिमन्यु के पृथ्वी पर आगमन से पूर्व की थी। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे, और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं। परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा का आदेश है जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा, और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मानाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह की तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी, इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था, किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा, और ऐसे ही सायकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीरगति को प्राप्त हुआ, और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। बस इसी कारण की वजह से भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में हस्तक्षेप नहीं किया।